सजीव जगत को फाइव किंगडम सिस्टम के माध्यम से पांच समूहों में विभाजित किया गया है। इस सिस्टम को डेवलप करने का श्रेय रॉबर्ट एच विटकर को जाता है 1969 में। फाइव किंगडम सिस्टम कैरोलस लीनियस के कार्यों पर आधारित है। फाइव किंगडम तो ये जो सजीव जगत है, सजीव जगत को पांच मुख्य किंगडम्स में डिवाइड किया गया है। किंगडम एनिमेलिया, प्लांटे, फंजाय, प्रोटिस्टा, मोनेरा। संपूर्ण सजीव जगत के अंदर ये पांच किंगडम्स आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मोनेरा में कौन से जीव सम्मिलित किए गए हैं। किंगडम मोनेरा में प्रोकैरियोटिक कोशिका युक्त सजीवों को सम्मिलित किया गया है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका युक्त सजीव बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, और हमें पता है कि जीवाणुओं में, बैक्टीरिया में जो केंद्रकीय झिल्ली होती है वो अनुपस्थित होती है, मतलब जो अनुवांशिक पदार्थ होता है वो कोशिका द्रव्य में बिना केंद्रकीय आवरण के पाया जाता है, स्थित होता है। और इसके साथ ही ऐसी संरचनाएं जिसमें कि इकाई झिल्ली संरचनाएं जिन्हें हम कहते हैं, वो सब अनुपस्थित होते हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, कोल्चिकाए, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइजोजोम, वैक्यूल, मतलब जिन भी संरचनाओं में झिल्ली पाई जाती है, इकाई झिल्ली संरचना पाई जाती है, वो सारी संरचनाएं अनुपस्थित हैं प्रोकैरियोटिक सजीवों में। तो मोनरा, जो भी किंगडम मोनरा के जो भी जीव होते हैं उनमें एक कोशिका भित्ति पाई जाती है, और यह कोशिका भित्ति प्रोटीन व पॉलीसेक्राइड से निर्मित होती है। किंतु यह जो कोशिका भित्ति होती है उसमें सेल्यूलोज नहीं पाया जाता है। हमें पता है कि सेल्यूलोज जो है वो पादप कोशिकाओं का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, लेकिन किंगडम मोनेरा में सेल्यूलोज अनुपस्थित है। किंगडम मोनेरा में जो भी जंतु होते हैं, जो भी सजीव होते हैं, वो एसेक्सुअली डिवाइड कर देते हैं बाइनरी फिशन द्वारा। और मोनेरा के अंदर आर्काई एवं बैक्टीरिया पाए जाते हैं। बैक्टीरिया हमें पता है कि सभी सर्वत्र पाए जाते हैं, और लगभग यहाँ लिखा है सिंगल ग्राम ऑफ सॉइल में 40 मिलियन बैक्टीरियल सेल्स पाए जाते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर भी बहुत सारे बैक्टीरिया, असंख्य बैक्टीरिया होते हैं, स्किन पर होते हैं, ह्यूमन बॉडी में, मतलब नॉर्मली स्पीकिंग भी होते हैं, नॉर्मली भी पाए जाते हैं, स्किन के ऊपर भी होते हैं, बॉडी के अंदर भी होते हैं। ये हम देख सकते हैं किस प्रकार से, ये रॉड शेप बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम है, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है ये, जो कि ट्यूबरकुलोसिस उत्पन्न करता है। और ये हम देख सकते हैं स्टेफाइलोकॉकस है, कॉकस मतलब गोल बैक्टीरिया, जो कि स्किन इंफेक्शन कॉज करता है। तो ये तो था पहला किंगडम मोनेरा जिसमें कि बैक्टीरिया
मुख्य रूप से पाए जाते हैं। और दूसरा किंगडम है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक कोशिका युक्त जंतु पाए जा जीव सजीव पाए जाते हैं। और प्रोटिस्टा के अंदर वे सजीव आते हैं जो कि होते तो हैं यूकैरियोटिक कोशिका युक्त, किंतु वो यूनिसेल्युलर एक कोशिकीय भी हो सकते हैं या बहुत ही सरल प्रकार के बहुकोशिकीय जीव भी हो सकते हैं। ये रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली या एसेक्सुअली। एग्जाम्पल्स हैं प्लाज्मोडियम, ये तो एक कोशिकीय है, अमीबा भी, यूग्लिना, ये सारे एक कोशिकीय हैं। तो प्रोटिस्टा के अंदर अंतर्गत एक कोशिकीय सभी आ जाते हैं सजीव, ऐसे सजीव जो कि एक कोशिकीय हैं किंतु यूकैरियोटिक हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं किंगडम फंजाई पर। फंजाई यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका युक्त तो होते हैं और ये मल्टी सेल्युलर या यूनिसेल्युलर होते हैं। मशरूम एवं मोल्ड एग्जाम्पल्स हैं मल्टी सेल्युलर फंजाई के, और ईस्ट एग्जाम्पल है एक कोशिकीय फंजाई का। सभी फंजाई में सेल वॉल पाया जाता है जो कि काइटिन से निर्मित होता है। ये सारे नॉन मोटाइल होते हैं और इनमें हाइफे पाया जाता है। फंजाई हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं और इन्हें कार्बन और नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है नरिशमेंट के लिए। ये इम्पोर्टेंट होते हैं, ये डिकम्पोजर होते हैं, सेप्रोफिटिक होते हैं और ये पैरासाइटिक हो सकते हैं। ये कार्बन ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करते हैं। फंजाई सेक्सुअली एवं एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा। और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन एक ऐसा फंगस है जिसको यूज में लिया जाता, जिससे पेनिसिलिन बनाया जाता है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एंटीबायोटिक है। ये सारे उदाहरण हैं फंजाई के। मशरूम्स भी एक प्रकार के फंजाई होते हैं। फंजाई को लेकर के ही बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यह है कि पेनिसिलिन से रिलेटेड ये बात है कि एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सर्वप्रथम एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी करी थी 1928 में। तो उन्होंने देखा था कि जो स्टेफेलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया की जो कॉलोनीज हैं वे पेनिसिलियम नोटेटम द्वारा डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो इसी आधार पर यह समझा गया कि मतलब ऐसे मेडिसिन्स की डिस्कवरी हो सकती है जो कि कई डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं।
किंगडम प्लांटे। प्लांटे के अंतर्गत यूकैरियोटिक एवं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं, मतलब ऐसे सजीव आते हैं जिनकी की कोशिकाएं यूकैरियोटिक प्रकार की हैं और मल्टी सेल्यूलर हैं। इनमें जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्स प्लांट टिश्यूज के रूप में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। प्लांट्स में प्लास्टिड पाया जाता है और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जैसे कि क्लोरोफिल पाया जाता है। ये नॉन मोटाइल होते हैं, तो प्लांट्स मूव नहीं करते। प्लांट्स अपना स्वपोषी होते हैं, अपना अपने फूड का स्वयं निर्माण करते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा। तो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, स्वपोषी होते हैं। इनमें सेक्सुअल व एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होता है और ये फूड को स्टोर करते हैं स्टार्च के रूप में। ये सारे प्लांट्स होते हैं, मॉस, फर्न, कॉनिफर्स, फ्लावरिंग प्लांट्स, ये सारे प्लांट्स ही होते हैं। अब हम आ जाते हैं किंगडम एनिमेलिया पर। मेंबर्स ऑफ द एनिमल किंगडम आर यूकैरियोटिक। तो किंगडम एनिमेलिया के अंतर्गत ऐसे सजीव आते हैं जिनकी कोशिकाएं यूकैरियोटिक होती हैं और मल्टी सेल्यूलर होते हैं। एनिमेलिया के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि इनमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है और इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स नहीं होते हैं। तो ये मोटिलिटी इनका वैसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और किंतु ये हेटरोट्रॉफिक होते हैं, स्वपोषी नहीं होते, ये परपोषी होते हैं, मतलब ये दूसरों पर डिपेंड करते हैं भोजन के लिए। ये सेक्सुअली या एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। कार्बन को ये ग्लाइकोजन या फैट के रूप में स्टोर करते हैं। इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं ये सारे, जितने भी हम एनिमल ग्रुप्स देखते हैं, पॉरीफेरा, नाइडेरिया, नेमाटोडा, ये सारे हैं, एनिलिडा, इकैनोडर्मेटा इसके अंदर आ जाते हैं। ये पॉरीफेरा है, नाइडेरिया जेलीफिश, बहुत ही सुंदर फोटोग्राफ है, मॉलस्क है, ऑक्टोपस देख सकते हैं, इकैनोडर्मेटा, आर्थ्रोपोडा फिश है, एम्फीबियंस, रेप्टाइल,